ओम शांति। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का पानी नहीं बल्कि गंगाजल भरा गया और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी गई तो कितनी, बस 60-70 रुपये। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो, मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझमें गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की? कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूं, और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो ये है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको ही चुन रहा है। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। तो आज का विशेष मेडिटेशन हमारा, जो कभी हम खुद को सूक्ष्म में भी खोजते थे या हमारी सहन शक्ति डगमगा जाती थी, तो इस विशेष लक्ष्य से के संबंधों में जब कभी टकराव आए, कलह कलेश आए, या कई बार हमें ही सहन करना पड़े, तो हमारे मन में जो संकल्प विकल्प चलते थे, उन सब को आज समाप्त करने के लिए विशेष मेडिटेशन आज हम करेंगे। हम सभी स्ट्रेट बैठ जाएं, महसूस करें मस्तक के बीच में मैं दिव्य सितारा सफेद चमकता हुआ प्रकाश पुंज हूं। मैं आत्मा
परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। मैं अनुभव करती हूं कि मैं बिंदु स्वरूप दिव्य सितारा धीरे धीरे इस शरीर से ऊपर स्थूल दुनिया से भी ऊपर प्रवास कर रही हूं। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं अपने ओरिजिनल घर स्वर्ण लाल प्रकाश की दुनिया परमधाम में पहुंच चुकी हूं और अन्य सभी आत्माओं को क्रॉस करते हुए मैं अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के बिल्कुल पास में आके बैठ जाती हूं। मैं आत्मा परमात्मा खुदा की संतान इस शिव भोलेनाथ की संतान महसूस करती हूँ कि शिव बाबा से अनेकानेक शांति की किरणें बरस रही है और मुझ आत्मा पर बरसते जा रही है। मैं आत्मा इन शांति की किरणों में स्वयं को भिगोते जा रहा हूँ। अपने मीठे शिव बाबा के सामने मैं जो भी आज दिन तक सूक्ष्म में अपने मन में विकल्प रख बैठा था कि हर बार तकलीफ मुझे ही क्यों झेलनी पड़ती है, या मेरे ऊपर ही ये दुख के पहाड़ क्यों आए, या किसी ने मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया, ये सारे प्रश्नों की लिस्ट आज शिव बाबा के सामने रखकर मैं इन्हें समाप्त कर रहा हूं। और मुझे महसूस हो रहा है जैसे जैसे शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है, मैं आत्मा सुख के सागर की किरणों में समाते समाते सुखों की बेहद अनुभूति कर रहा हूं। परमात्मा खुदा सुख का सागर और ये सुख के सागर की किरणें जैसे जैसे मुझ आत्मा पे बरस रही है, मैं आत्मा भी सुखों से भरपूर होकर मास्टर सुख सागर बनते जा रही हूं। जिस किसी ने मुझे जो भी तकलीफ दी, मैं अनुभव कर रही हूं कि मैं क्षमाशील बनकर सभी को मनःपूर्वक क्षमा करते जा रही हूं, क्योंकि मुझे अभी यह आभास हो चुका है कि परिस्थितियां ये तकलीफें मुझ आत्मा की शक्ति को उजागर करने के लिए आई थी, मेरी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए आई थी। मैं परमात्मा शिव बाबा का दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझ हीरे को तराशा, मुझ हीरे को परखने के लिए मुझ पर थोड़ी बहुत परीक्षाओं की ठोकरें आई, परंतु इन सब में मैं निपुण हो चुका हूं और स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि स्वयं भगवान ने मुझे तराशा है, स्वयं भगवान ने मुझे परख कर पत्थर से हीरा बना दिया है। शिव बाबा को
मैं दिल से मनःपूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद करता करता खुद के भाग्य की लकीर को बहुत ऊंचा अति ऊंचा महसूस कर रहा हूँ। सचमुच मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान ने मुझे ढूंढा, परखा और मेरा भाग्य ऊंचा बना दिया। शिव बाबा को दिल से धन्यवाद देते हुए मैं आत्मा परमधाम से पुनः नीचे इस साकार दुनिया में आती हूँ, स्वयं को इस साकार शरीर में अनुभव करती हूँ, परंतु एक नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ में और सदैव ही क्षमाशील रूप में सभी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।